नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल द कॉम्पिटिशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती निकली हुई है, उत्तर प्रदेश NHM यूपी मिडवाइफरी शिक्षक भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे थंबनेल पे दिया हुआ है कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या PAT ज़रूरी है, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो इन सभी का डिस्कस हम अपने वीडियो में करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि मिडवाइफरी का जो शिक्षक भर्ती जो निकली हुई है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन के साथ इतनी पोस्ट है, क्या इसकी योग्यता है, क्या आपके लिए बेनिफिट है, क्या नहीं है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं इसकी वेबसाइट पे। देखिए जो नोटिफिकेशन ली है, यहाँ पे देखिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सिलेक्शन ऑफ मिडवाइफरी एजुकेटर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे नंबर देखिए ये दिया है द नेशनल हेल्थ मिशन NHM सी को प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर विच द अकाउंटेबल येट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल द नीड ऑफ द पीपल रिजल्टिंग दर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड एंड मेंटरनल डेथ एज वेल ए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस। दोस्तों, यहाँ पे नेशनल के हेल्थ का जो NHM है उसके रूल्स के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले बात यहाँ पे देखिए कि 30/4/2022 30 तारीख को ये देखिए इसका जो है एडवर्टाइजमेंट जो निकाल दिया गया है और नोटिफिकेशन इसकी आउट हो चुकी है। आगे यहाँ पे देखिए NHM यूपी इज़ सीकिंग एप्लीकेशन की बात करें कि कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सीकिंग एप्लीकेशन ओनली फ्रॉम एलिजिबल इन सर्विस NHM कॉन्ट्रैक्चुअल, यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन मिडवाइफरी एजुकेशन इन 3 श्रीमती, देखिए यहाँ में SMTI लखनऊ कानपुर और वाराणसी, ये 3 जगह है लखनऊ कानपुर वाराणसी के लिए है। वो वही एलिजिबल हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर चुके हैं। आगे देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द सर्विस कैंडिडेट हु हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज फॉलो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात की गई है और क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों बात की जा रही है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की है। तो क्वालिफिकेशन जो इसकी है MSc नर्सिंग में ऑब्स्टिक जेनोकोलॉजी पेडियोट्री कम्युनिकेट हेल्थ, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी क्लिनिकल मैटरनिटी एक्सपीरियंस की बात की गई है, ठीक है। आगे देखिए बीएससी नर्सिंग की बात की गई है, तो यहाँ पे 5 साल जो है 5 ईयर क्लिनिकल मैटरनिटी एक्सपीरियंस की बात की गई है। एक में MSc के साथ 2 साल और BSc के साथ आपके साथ 5 साल का जो है एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कैंडिडेट विद टीचिंग एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिक नर्सिंग विल बी गिवन परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो गायनेकोलॉजी है नर्सिंग के लिए उसमें परफॉर्मेंस चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक के लिए बात की गई है। टोटल सीटों की बात की जाए तो टोटल सीट जो दोस्तों 18 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 18 सीटें हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। और जनरल रिक्वायरमेंट की बात की गई है, तो देखिए ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन सी अप्लाई व्यू द एक्चुअल, देखिए कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स दोस्तों बात की जाए कि सिर्फ ये NHM का जो अप्लाई करने की पोस्ट है ये सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई करती, फीमेल ही कर सकती हैं, बॉयज़ के लिए इसमें अलाउ नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि ओनली इन सर्विस स्टाफ कैंडिडेट कैन अप्लाई, इसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो सर्विस स्टाफ यानी जो जॉब कर रहा है चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर कर रहा हो, ठीक है। आगे कह रहा है एज लिमिट 45 ईयर्स एट द यंगर एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, 45 साल की एज मैक्सिमम इसकी 45 साल एज मांगी गई है, ठीक है। और मिनिमम जो होती है दोस्तों वो 18 से लेकर के 45 की बात होती है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है मेडिकल फिटनेस रिक्वायर कीपिंग द व्यू द वेरियस ऑफ ट्रेनिंग मोड ऑफ द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आपको मेडिकल जो है आपकी फ़िट होना चाहिए, आपको ज्वाइनिंग के समय जो मेडिकल होगा वो ट्रेनिंग के समय आप जो है फ़िट होना चाहिए, कोई भी आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है मस्ट बी रजिस्टर्ड द RNRM विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड शुड बी फर्निश एक्टिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको जब ये आप लोग कोर्स कर लेते हो तो आपको जो है RNRM जो है इसमें आपका रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपको किया होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्लिनिकल हैंड्स एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग डिलीवरीज, तो दोस्तों आपको जो एक्सपीरियंस होगी वो भी आपको चेक किया जाएगा, वहाँ पे देखा जाएगा। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए सीधी सी आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है www.uprnhm.gov.in पे। रेगुलरली डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है रेगुलर अपडेट रहती है। ऑनलाइन सबमिशन की डेट है दोस्तों 2 मई से 12:01 यानी सुबह से आप अप्लाई कर सकते हो 2 मई से, और लास्ट डेट है 22 मई, ठीक है। 22 मई को रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को
फिल कर सकते हो। तो टाइम आपके पास देखा जाए तो आज से लेकर के आपके पास 18-19 दिन का समय है, तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन वी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो है आपका ऑफलाइन नहीं है, सिर्फ ओनली ऑनलाइन ही आपको करना होगा, बाकी सारी प्रोसीजर आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको फॉर्म को भरने से पहले नोटिफिकेशन जो है इसकी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिए क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स से ज़रूर हमें कमेंट करिए ताकि हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे यहाँ पे देखा जाए तो कुछ है नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो आगे यहाँ देखिए एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि प्लीज़ नोट द 30/4/2022 शेल बी टेकन द रेफरेंस डेट ऑफ कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस एज क्वालिफिकेशन ETC। बात दोस्तों 30/4/2022 तक आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपका एग्जैक्ट 2 साल या 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, जो भी इसमें मांगा गया है तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं बना है तो उसको बनवा लीजिएगा ताकि आपके लिए अगर ये फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है भरने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसमें अपना जो है कंट्रीब्यूट कर सके, अपना अच्छे से उसमें ज्वाइन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में कमेंट करें और इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि सभी को ये चीज़ें सूचना मिल सके और जो इसके योग्य हैं उनके तक ये पहुँच सके और वो इस फॉर्म को भर करके अपना एक सीट उसमें ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट।